हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज के इस क्लास में पढ़ेंगे हम लोग नेस्टेड स्विच के बारे में। ये स्विच का एक पार्ट है और ये स्विच की 8th वीडियो है जो हम आज करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने स्विच की बहुत सारी वीडियोस की हैं जिसमें हमने स्विच की अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझा है। उन सब को भी आप पढ़ सकते हैं, उन सब का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। आज नेस्टेड स्विच हम करेंगे। नेस्टेड स्विच सबसे पहली बात होता क्या है? When a switch contains further switch inside it, then it is known as nested switch। जब एक स्विच के अंदर उसके केसेस में फर्दर स्विच आने लग जाए तो उसको नेस्टेड स्विच कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारा मेन स्विच है, इसमें केसेस हैं। पहले केस के अंदर से फेसेस स्विच आ रहा है, दूसरे केस में भी फेसेस स्विच आ रहा है, तो उसके केसेस ने फर्दर स्विच होल्ड किए हैं, इसलिए इसको नेस्टेड स्विच बोलेंगे। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके केस के अंदर फेसेस स्विच आ जाए और उसके केस के अंदर फेसेस स्विच हो जाए। हालांकि हम जितना भी इसको नेस्ट करेंगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, उसको हमें फिर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेकिन स्विच की नेस्टिंग पॉसिबल है। इसकी हेल्प से हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, तब ये हमें प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि स्विच की नेस्टिंग कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है और कैसे इसको हम लोग संभाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक इम्पोर्ट लगा लेते हैं। ये हमने स्कैनर क्लास के लिए लगाया है और यहाँ पर हम लोग एक क्लास लगा लेते हैं, नेस्टेड स्विच। नेस्टेड स्विच मैंने क्लास का नाम दिया है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम लगा देते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर हम लोग एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक मेन्यू तैयार किया, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है ये, वेलकम टू शॉपिंग मॉल। इसके बाद यहाँ पर हम लोग वन फॉर क्लोथ्स कर देंगे, कपड़ों के लिए फर्स्ट ऑप्शन डाल देंगे। टू फॉर स्वीट्स कर देंगे, बस मैं दो ऑप्शन डाल रहा हूँ, बहुत सारे ऑप्शन हम लोग डाल सकते हैं, और एंटर योर चॉइस बोलेंगे। दो ऑप्शन में ही ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इंटीजर में हम चॉइस को रीड करेंगे, चॉइस रीड करने के बाद यहाँ पर हम केस वन लगाएंगे और इसमें ब्रेक स्टेटमेंट डाल देंगे। यहाँ पर केस टू लगा देते हैं और इसमें भी ब्रेक स्टेटमेंट डाल देते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं हम लोग। अगर वन और टू से अलग कोई और ऑप्शन हम लोग प्रेस करेंगे तो रॉन्ग चॉइस का मैसेज आ जाएगा। ये हमारा केस वन पूरा हो गया है। अब स्विच वन पूरा हुआ है। स्विच वन के केस वन में हम लोग फिर से स्विच बनाएंगे। यहाँ पर फिर से मेन्यू बनाना होगा हमें। हम लोग बोलेंगे, सबसे पहले हम मैसेज प्रिंट करा देते हैं, वेलकम टू गारमेंट्स स्टोर, एंड यहाँ पर फिर से मेन्यू बनाएंगे हम लोग, वन फॉर जीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, टू फॉर टी शर्ट। यहाँ पर हम चॉइस इनपुट करने के लिए बोलेंगे, एंटर योर चॉइस, चॉइस रीड करेंगे हम लोग, इंटीजर सी एच। हम लोग बार बार ना डिक्लेयर करके एक वेरिएबल सी एच ले लेते हैं क्योंकि इसको हमें कई केसेस में यूज़ करना है। चॉइस हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है इसलिए चॉइस नहीं ले सकते, हम लोग सी एच ले लेंगे। एसी डॉट नेक्स्ट इंट हमने ये लिया और इसके ऊपर फिर से स्विच लगाएंगे हम लोग। इस बार का स्विच सी एच के ऊपर लगेगा। यहाँ पर फिर से केस शुरू करते हैं। केस वन में हम बस सिंपल सा मैसेज प्रिंट करा देते हैं, यू परचेज जीन्स, अगर केस वन कोई प्रेस करता है। हालांकि ऐसे तो ये बहुत सिंपल है, इसमें हम पूरा प्रोग्राम बना सकते थे। अब हम उससे पूछते हैं कि जीन्स कितनी ख़रीदनी है और उसकी क्वांटिटी इनपुट कराते हैं, उसके बाद हम प्राइस शो कराते या प्राइस अपनी तरफ से डाल के उसका बिल कैलकुलेट करते, वो प्रिंट कराते हैं। लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट सॉफ्टवेयर की तरीके से हो जाएगा और काफ़ी लंबी प्रोसेस है,
जिसके लिए कम से कम कई घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी, जो बहुत लंबा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो मैं जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि नेस्टेड स्विच कैसे होती हैं, कैसे काम करते हैं। केस टू में हम लोग डाल देते हैं यू परचेज टी शर्ट, डिफॉल्ट में हम लोग रॉन्ग चॉइस प्रिंट करा देते हैं। और ब्रेक तो इसके बाद ऑटोमेटिकली हमने लगाया है। केस टू अगर हम बनाना चाहें, केस टू में मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। वेलकम टू स्वीट शॉप, यहाँ पर वन फॉर आइसक्रीम कर देते हैं, ये वन फॉर केक कर देते हैं, टू फॉर पेस्ट्री कर देते हैं हम लोग, एंट्री चॉइस यू परचेज केक, ये हमने यहाँ पर डेटा फीड कर दिया है। यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, केक हमने कर दिया है, यहाँ पर हमने पेस्ट्री कर देते हैं, पेस्ट्री यू परचेज केक यू परचेज पेस्ट्री एंड सो ऑन। थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं था, हमने इसमें डिफॉल्ट में रॉन्ग चार्ज डाल दिया और ये हमारा पूरा फिनिश हो गया। बस अब इस प्रोग्राम को पहले सेव कर लेते हैं। माई कंप्यूटर सी ड्राइव JDK 1.7 बिन, और इसको हम लोग सेव करेंगे नेस्टेड स्विच डॉट जावा। अब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, रूट डायरेक्टरी में जाएंगे, JDK 7 ओपन करेंगे, बिन ओपन करेंगे, जावेक से कंपाइल करेंगे नेस्टेड स्विच डॉट जावा और इसको रन करेंगे। वेलकम टू शॉपिंग मॉल, वन ऑप्शन हमने प्रेस किया क्लॉथ, वन फॉर हमने जीन्स परचेज किया। इसी तरीके से दोबारा चलाएंगे, हमने टू फॉर स्वीट्स ऑप्शन ऑन ऑन किया और टू फॉर हमने पेस्ट्री परचेज करी। इसी तरीके से इसको थर्ड टाइम चलाएंगे, एंट्री चॉइस थर्ड में रॉन्ग चॉइस बताएगा। तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ मैंने बताई है, हालांकि इसमें पूरा शॉपिंग मॉल का सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। मैंने इसमें एक कम्प्लीट सॉफ्टवेयर बनाया है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लंबा हो जाता है, तो आप इससे ट्राई कर सकते हैं। इसमें और ऑप्शन यहाँ पर आपको डालने होंगे अलग अलग, जो भी शॉपिंग मॉल में होते हैं, और फिर उनके सब मेन्यूज़ और सब सब मेन्यूज़ बनाने होंगे। तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड स्विच के ऊपर काम कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें नेस्टिंग आती हो। अगर इसमें कुछ पूछना है आपको या कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियो जो इस ट्यूटोरियल की हैं, वो सारी सबका लिंक मैंने डाला है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर इन्हीं चीज़ को आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी इन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन सारे टॉपिक्स को इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।